हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो एच टेट पी जी टी एग्जाम से रिलेटेड है। इस वीडियो में आप एच टेट पी जी टी ज्योग्राफी के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग अपने आंसर चेक कर सकते हैं, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, नेक्स्ट टाइम देना चाहते हैं, वो देख सकते हैं कि इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, 1986 में स्थापित भारत का प्रथम जैव मंडल रिजर्व है। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, नीलगिरी। नेक्स्ट है, कौन भारत के छावनी नगर का उदाहरण नहीं है? तो वो है सतना। करेक्ट आंसर है फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी सतलाकृतिक निरूपण की गणितीय विधि नहीं है? तो हैशूर है, वो सतलाकृतिक निरूपण की गणितीय विधि नहीं है। नेक्स्ट है, मेटा डेटा क्या है? मेटा डेटा होता है, यह आंकड़े के बारे में आंकड़े है। कथनी मापनी एक इंच प्रदर्शित करता है 8 मील का निरूपक भिन्न क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिने हाथ की सहायक नदी नहीं है? तो कालांग है, वो ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिने हाथ की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, अनियमित तटरेखा नदियों और धाराओं के सहारे दूरी मापने वाले यंत्र को कहते हैं, उसको कहा जाता है ओपिसोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र असम में अवस्थित नहीं है? तो अलियाबेट, ये असम में नहीं है, बाकी डिगबोई, शिवसागर और नाहरकटिया, ये तीनों असम में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से ए और सी है, ये सही है। दो अक्षांशों के मध्य दूरी लगभग 111 किलोमीटर है और सभी देशांतर ध्रुवों पर मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में क्या है? तो ये होगा 35 डिग्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें दो व दो से अधिक समोच्च रेखाएं मिलती है? ये मिलती है जलप्रपात में। कौन सा गलत युग्म है? तो इनमें से जो शिव समुद्रम बांध है वो कृष्णा नदी पर है, ये गलत दिया हुआ है। बाकी माता टीला बांध है वो बेतवा नदी पर है, भाखड़ा नंगल बांध है वो सतलुज नदी पर है, और पोंग बांध है वो व्यास नदी पर है। नेक्स्ट है, भारत की रेगर मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से ए और बी है वो सही है। यह सामान्यतः गहरी व चिकनी होती है और शुष्क मौसम में इस मिट्टी में चौड़ी दरारें विकसित हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें सही युग्म है थर्ड, नॉर्वेस्टर, ये है पश्चिम बंगाल असम में। नेक्स्ट में पूछा है, लैक्सोड्रोम है तो ये होती है प्रक्षेप पर दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा जिसका दिक्मान स्थिर हो, उसको लैक्सोड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट है, जल संचयन संरचना निर्माण हेतु नीरू मीरू जल और आप योजना लागू की गई है, तो ये लागू की गई है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत मापनी मानचित्र है? तो वह भू संपत्ति मानचित्र। निम्नलिखित में से किसे मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है? वो कहा जाता है कृषि सूखा को। नेक्स्ट है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो थर्ड है वो गलत दिया हुआ है। लो एस्क है, इसके प्रमुख उत्पादक है सुंदरगढ़, मयूरभंज, मैग्नीज के हैं शिमोगा और चित्रदुर्ग, और तांबा के हैं बालाघाट और सिंहभूम। जी टी तिवारथा के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CAW प्रकार की जलवायु भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तरी मैदान में। नेक्स्ट है, बुग्याल है ग्रीष्मकालीन घास के मैदान। नेक्स्ट है, पन्ना पारा पल्ली नगला स्थानिक नाम भारत के किस भारतीय अधिवास से संबंधित है? तो ये संबंधित है पूर्वा से, और ये सभी आंसर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत के ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, तो इसमें ग्रामीण है 68.85% और नगरीय है 31.15%। नेक्स्ट है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो थर्ड है ये सही है, चुंबकीय सुई व असंकित चक्र बॉक्स के साथ नहीं चलते। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी संसाधन उपयोग के लिए लाभकारी है, ये सही है, और भूस्थिर उपग्रह दूरसंचार एवं मौसम नियंत्रण के लिए लाभकारी है, ये भी सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट है, इसमें दो सूची दी हुई है जिनको कि सुमेलित करना है। एक तरफ रेलवे जोन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दिए हुए हैं। मध्य रेलवे जोन, इसका मुख्यालय है मुंबई में। पूर्व मध्य जोन, इसका है हाजीपुर में। उत्तर मध्य रेलवे जोन, इसका है इलाहाबाद में। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन, इसका मुख्यालय है मालीगांव गुवाहाटी में। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ए और बी, ये दोनों स्टेटमेंट रोंग दी हुई है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ। नेक्स्ट है, चेन वे टेप सर्वेक्षण में प्रयुक्त गेंटर चेन की कुल लंबाई है, वो होती है 66 फुट। यदि व्यास के विपरीत दिशा में प्रकाश स्रोत हो तो परिणाम स्वरूप प्रक्षेप होगा, वो होगा त्रिविम। नेक्स्ट है, वायु फोटोचित्र की मापनी ज्ञात कीजिए जब उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई 7500 मीटर और कैमरे की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, ये होगी 1:50,000। सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वायु के क्षितिज प्रवाह से ऊष्मा का अंतरण कहलाता है, ये कहलाता है अभिवहन। महासागरीय जल में वह परत जिसमें बढ़ते गहराई के साथ तापमान में त्रिभास होता है कहलाता है, ये कहलाती है थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट है, वान थ्यूनेन के मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थानिक मूल्य दूरी 6 संबंध दर्शाता है, ये सही है, और किसान वह आर्थिक मानव है जिसका उद्देश्य है अधिकतम मुनाफा, ये भी सही है, इसमें ए और बी सही है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ। नेक्स्ट में पूछ है कौन सा गलत युग्म है, तो इसमें जो फोर्थ है वो गलत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रों द्वारा विकसित औद्योगिक स्थानीयकरण के 3 सिद्धांत हैं, तो वो है भौतिक, आर्थिक एवं तकनीकी। नेक्स्ट है, चतुर्थक सेवाओं की नवीन प्रवृत्ति के पीओ है, वो है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जनांक जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, प्रजनन दर में गिरावट से पहले मृत्यु दर में गिरावट होती है, ये सही है। प्रजनन दर अंत में मृत्यु दर के समतुल्य आने के लिए गिरती है, ये भी सही है। और प्रथम चरण में जनसंख्या की मंद वृद्धि दर उच्च प्रजनन व उच्च मृत्यु दर के कारण है, ये भी सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन कीजिए, इसमें सही विकल्प है सेकंड। भूगर्भिक समय सारणी पर सबसे लंबी अवधि कल्प की है। नेक्स्ट, नवीनतम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2018 के अनुसार 189 देशों में से भारत का रैंक है, वो है 130वां। सुनहर जोड़ता है, तो सुनहर जोड़ती है सुपीरियर झील व हुरान झील को। नेक्स्ट है, चलवासी पशुचारण संबंधित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक तट, अरब प्रायद्वीप से केंद्र चीन तक और टूंड्रा प्रदेश, इन दोनों से चलवासी पशुचारण संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनों के लिए अनुकूल क्षेत्रों के निर्माण हेतु पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से कौन सी महासागरीय नितल की स्थलाकृति महत्वपूर्ण है, तो वो है महाद्वीपीय मगन तट, फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा गलत युग्म है, तो इसमें जो फोर्थ है वो गलत दिया हुआ है।
नेक्स्ट है, प्रमुख जीव के आधार पर चूना प्रधान ऊज को पुनः विभाजित किया जाता है। इसको विभाजित किया जाता है टेरोपाड एवं ग्लोबिजेरिना ऊज में। नेक्स्ट है, मानव भूगोल को मानव समाज एवं पृथ्वी सतह के संबंध में संश्लिष्ट अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया? इसको परिभाषित किया था एफ रेडजेल ने। कौन सा गलत युग्म है? तो इसमें जो सेकंड दिया हुआ है BWH अर्ध उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, ये गलत दिया हुआ है। बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कनाडा प्रशांत रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? तो इसमें एल्बर्टा कनाडा प्रशांत रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लेट कठोर चट्टानों की अनियमित आकार के खंड हैं, ये सही है। प्लेट दुर्बल मंडल के ऊपर क्षितिज चलती है, ये भी सही है। और प्लेट की मोटाई 5 से और 20 किलोमीटर के मध्य होती है, ये भी सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है, किसने जेनेरी डी वी जीवन शैली की संकल्पना देकर पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल की आधारशिला माना? तो इसे माना है विडाल डी ला ब्लास ने। नेक्स्ट, वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित कौन सा देश विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में नहीं है? तो इनमें से जो जर्मनी है वो विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में नहीं है। नेक्स्ट है, किसने कहा मानव पृथ्वी तल की उपज है? ये कहा है E.C. सैंपल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सूची दी हुई है जिनको कि सुमेलित करना है। चक्रवात आते हैं हिंद महासागर में, हरिकेन आते हैं अंध महासागर में, टाइफून आते हैं पश्चिमी प्रशांत व दक्षिण चीन सागर में, और विली विली आते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है, जापान के किस औद्योगिक प्रदेश को जापान का डेटाइट कहा जाता है? ये कहा जाता है नागोया को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो गीस राइट ये आग्नेय चट्टान नहीं है। नेक्स्ट है, समुद्र में पाए गए लवणों को उनकी प्रचुरता के अनुसार अवरोही क्रम में जमाइए। तो है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है, कौन सा गलत युग्म है? इसमें से जो थर्ड है वो गलत दिया हुआ है, बाकी स्थानांतरित कृषि और देश दिए हुए हैं। जो कैनिगन बोलते हैं फिलीपींस में, टांग्या म्यांमार में और चेना श्रीलंका में। प्राट के समस्थिति की संकल्पना का केंद्रीय विषय है, इसका केंद्रीय विषय है समान गहराई गंतव्य में अंतर। नेक्स्ट है, जोवियन ग्रह कौन से हैं? तो वो है बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। प्रवास का गतिशीलता संक्रमण मॉडल दिया गया, ये दिया है जोलिंस्की द्वारा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूची दी हुई है जिनको कि सुमेलित करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप HTET, CTET, NET या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या JBT या BEd के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।